नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवनीत। प्यार के हत्थे चढ़ गए सुली, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक ऐसा ही मामला, विचित्र सा मामला हमारे सामने आया है। ये जो मामला है वो पालीगंज का है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के पीछे पीछा करता था और पीछा करते करते एक दिन घर तक पहुँच गया और कई सालों से उसका पीछा करता था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की। क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे हमारे सहयोगी नवनीत। देखिए लवली, निश्चित तौर पे जो एक तरफा एक प्यार होता है, या उसे कह सकते हैं मानसिक ही बोलते हैं उसको जी। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो गलत दुर्भावना से लड़की का पिछले कई महीनों से पीछा कर रहा था, और इसी क्रम में जो है वो कल भी लड़की का पीछा कर रहा था, और उसके बाद जो है वो लड़का लड़की के घर तक पहुंच गया था। दरअसल पूरा मामला पालीगंज के दुल्हिन बाजार के कुकरी गांव का है, जहां पे ये लड़का लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचा, और उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर ना सिर्फ पिटाई की है बल्कि उसके जो इसका भूत था उस भूत को भी लोगों ने झाड़ दिया है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जो एक मनोविकृति आती है लोगों में, उस दिशा की ओर इशारा कर रही है। और समाज में ये नैतिक पतन क्यों हो रहा है, खासकर जो टीनेजर हैं वो क्यों इस तरह भ्रमित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं इस ओर इशारा करती है कि जो युवा है आज के डेट में वो दिशाहीन हो रहा है, अपने मार्ग से भटक रहा है और इस तरह के गलत हरकतों के पीछे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे उसका भी नुकसान हो रहा है, दूसरे का भी अहित हो रहा है, और समाज में भी एक गलत संदेश जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की है, उसकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बेहद ही दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और चूंकि इंसानियत को शर्मसार भी कर रहा है। जी जी, मतलब बच्चे पढ़ाई, जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो उनके साथ इस तरह की कई वाक्याएं आप रेगुलर वे में सुनते ही आते होंगे कि कभी किसी ने पीछा किया तो कभी किसी ने छेड़खानी की, और ये कभी कभी बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। देखिए बिल्कुल, लोग इसी तरह की घटनाएं होती है, और भीड़ के हत्थे किसी की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, उसको मॉब लिंचिंग भी नाम दिया जा रहा है, ये भी एक मामला आ रहा है। लेकिन दरअसल पूरे मामले में देखिए दोष किसका है जी। लड़की अपने स्कूल कॉलेज जा रही है, वो तो कोई गलती नहीं कर रही है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन लड़का पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था, कई महीनों से पीछा कर रहा था, तो ये क्या, इसे क्या कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार था, एक तरफा प्यार कहे या एक दूसरे के प्रति आकर्षण कहे। बहुत तो, ये कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि आज के जो टीनेजर्स हैं उनको गलतफहमी भी हो जाती है। अब लड़की जा भी रही है, अब किसी से बात भी कर रही है तो उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है कि मुझे मतलब इशारा दे रही है या कुछ इस टाइप से भी कुछ हो जाता है। यहीं पे जरूरत होती है अच्छे अभिभावक की भूमिका होती है जी। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका होती है। अगर तमाम चीज़ों को लेकर के अगर उसके अभिभावक उसके शिक्षक ध्यान दे तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है, और कई जगहों पर ऐसे में बच्चों को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो समाज के लिए एक चिंता का विषय है, और इस पे समाज को सोचना होगा, पहल करना होगा जी। जो समाज को जो है वो पहल करना होगा, और आज के यूथ को हम यही कहेंगे कि भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही घातक है। मगरमच्छ क्या सोए थे? नहीं नहीं दीदी, नहीं दीदी, हरामी माँ बहनों के ना घर में मर जाएंगे भैया, तो इस खबर पर आपका क्या कहना है ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।